तो सर गाड़ी थोड़ी आगे करवा लूँ फिर फोटो हाँ थोड़ी सी आगे इसी बार तो सलमान खान है कटो फोटो पड़ जाए तो उन्होंने तो हर कभी जुड़े ही नहीं है मैं तो खुद ही धंधो कर रहा हूँ कुछ तो क्या है देखो अरे ये तो वो ड्राइवर मिला नहीं बाकी उसको पड़ेगा ये उसी ने मंगवाई है ट्रक बाड़मेर में खाली करवाने के लिए ये चार पांच लेते हैं दुकानें बंद रहेंगी तो ये क्या खुलगी क्या बोलो धर्मपाल जी को अरे लीलाधर जी स्टाफ वाला कहाँ है आओ ना यार लीलाधर जी धर्मपाल जी स्टाफ कम है अरे फटाफट बुलाओ फिर एक जैसा फोटो आवे ये इधर इसमें से भी खींच लेना यार नहीं चाहिए टेबल पीछे देख ले लो बेटा बाइक नहीं था माइक भी का ओ जिन हम तो भीड़ भीड़ हो तंबू आड़ जिला का ये भीड़ तो बज को कल रात्रि में जरिए मुखबिर सूचना मिली थी बालोतरा सर्कल में आपकर निरीक्षक को इस पर हमारे द्वारा नाकाबंदी करवाई गई और जोधपुर जिले की तरफ से मेगा हाईवे के ऊपर ट्रक आती हुई मिली सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके खड़े हुए थे लेकिन हमारी शायद मौजूदगी का एहसास होने पर ड्राइवर एक ढाबे के ऊपर गाड़ी खड़ी कर वहाँ से हट गया इस पर हमारे द्वारा आगे जाकर तलाशी ली गई तो ढाबे के ऊपर गाड़ी तैयार मिली ड्राइवर की तलाश की गई ड्राइवर मिला नहीं फिर गाड़ी को खोल के देखा और उसके बाद इसको जिला मुख्यालय बाड़मेर लाया गया अभी शराब की गिनती जारी चल रही है और इसके अंदर अवैध शराब है हरियाणा निर्मित नाम से जबकि ये डुप्लीकेट प्रतीत होती है जो खराब भी हो सकती है स्वास्थ्यवर्धक नहीं है और जहरीली भी होने की संभावना है और ये गिनती जारी है और तकरीबन 1800 पेटी इसके अंदर विभिन्न ब्रांड की मिलेगी जिसके में जो रोमियो विस्की गोवा प्रीमियम विस्की और बेस्टो विस्की पूर्व में भी इस ज़िले में जो कार्रवाई की गई थी उसमें इसी तरीके से फर्जी योगेश ट्रांसपोर्ट और दतलवाल इंडस्ट्री के नाम से फर्जी बिल्टियाँ भी हमें मिली पर इस बाबत हमारे द्वारा अनुसंधान किया गया जबकि ये ज़िले के अंदर इस तरीके से कोई भी ये ऐसी इंडस्ट्री नहीं है नहीं ऐसा कोई प्रतिष्ठान है कि जहाँ के पता पड़ सके कि भाई ये माल वहाँ जा रहा था और अभी बाड़मेर ज़िले के अंदर शराब की दुकानों का बहुत विरोध हो रहा है इस पर कुछ अवैध शराब तस्कर इसी बहाने मौका लगा करके और इस तरीके से ज़िले में गाड़ी ले आए और ये ज़िले के अंदर कहीं ना कहीं अवैध रूप से बिकती और बेचान होती फिर भी हम पकड़ते हमारे पास मुखबरी आती लेकिन इतनी मात्रा में नहीं मिलती शराब जो अब मिली है अनुसंधान में खाली गाड़ी के कागजात मिले हैं अब इनका अनुसंधान में RTO से रिसर्च किया जाएगा कि इसका ओरिजिनल मालिक कौन है और जो गाड़ी पे नंबर दर्शाए गए हैं वो सही है कि फर्जी है जोधपुर की तरफ से आ रही थी और बालोतरा सर्कल मेगा हाईवे के ऊपर इन्फॉर्मेशन करके नाकाबंदी करते हैं ये बाड़मेर ज़िले के अंदर विभिन्न गांव ढाणियों में जिसमें शिव चौटन बाड़मेर लोकल दूरीमन्ना साइड श्रीनगरी साइड की तरफ भी जाने की संभावना थी जिससे ये जाके कट जाती और सभी जगह इसका माल का वितरण हो जाता और फिर गांव में अवैध रूप से बेचान होता फैक्ट दारू भी घटिया दारू और नकली शराब था और ये भी देखने पर प्रतीत होता है ये नकली शराब है ये भी किसी कंपनी द्वारा या मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाया गया नहीं है ये डुप्लीकेटिंग करके इसको बेचान किया जा रहा है उसको रूप दिया जा रहा है जबकि कार्टन के ऊपर किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन का नाम नहीं है यूनिट का नाम नहीं है कहाँ बना है कुछ नहीं है खाली वाइट रंग की कार्टन है और प्लास्टिक पैकिंग है और प्लास्टिक पैकिंग राजस्थान सरकार के अंदर किसी भी तरीके से सरकार प्लास्टिक पैकिंग में शराब का बेचान नहीं करती अंग्रेजी शराब के अंदर और ये अंग्रेजी शराब का रूप है और ये अवैध रूप से लाया गया है हाँ ऐसी संभावना है
ऐसी संभावना है, कुछ छुटकर लोगों को मौका मिल गया कि हमारी शराब की दुकानें नहीं खुल पा रही है, टाइम पे बंद हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उनको बेचान करने का मौका मिल गया। लेकिन हम उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, उन पर भी हमारी निगरानी चौकसी है, हमारे मुखबिर लगा रखे हैं, उनके खिलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे।